बंगाल में अटैक से विश्व युद्ध का अलर्ट। युद्ध में ईरान आएगा, विश्व युद्ध कराएगा। नेतन्याहू नहीं माने तो विश्व युद्ध तय। गाजा के अस्पताल में बम बरस रहे हैं। लेबनान सीमा पर आतंकी हिजबुल्ला युद्ध में उतर चुका है। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, टर्की कभी भी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में उतरने का ऐलान कर सकता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में आग लगी हुई है। अलग अलग देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर हैं। पश्चिम एशिया में कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल के तेवर साफ हैं। वो ऐसे किसी भी देश को बख्शने के मूड में नहीं है जो उन पर हमला करेगा, फिर चाहे वो फिलिस्तीन हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो या ईरान और टर्की। किसी ने भी अगर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल पलटवार करने में देरी नहीं करेगा। पहला संकेत, दुनिया के तीन अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध जारी है। इजराइल फिलिस्तीन, रूस यूक्रेन, अजरबैजान आर्मेनिया, सीरिया में गृह युद्ध जारी है। दूसरा संकेत, छोटे छोटे युद्ध में महाशक्तियों की एंट्री होने लगी है। इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन, ईरान जैसे देश अपने अपने समर्थक देशों का पक्ष लेने लगे हैं। तीसरा संकेत है, दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। आर्थिक मंदी अक्सर युद्ध का कारण बनती है। और चौथा संकेत, युद्ध के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जो कभी भी युद्ध में उतर सकते हैं। इन देशों के बीच कई विवाद जैसे चीन और ताइवान, भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद, भारत और चीन का सीमा विवाद है। पांचवा संकेत, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक नए स्तर पर पहुंच गया है। स्थानीय आतंकी संगठन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। वो एक देश में मौजूद रहकर विश्व के किसी भी देश में अस्थिरता पैदा करने में सक्षम होने लगे हैं। यही नहीं, इन आतंकवादी संगठनों की कट्टर विचारधारा के समर्थक भी तेजी से बढ़े हैं। हमास इसका बड़ा उदाहरण है, जिसे उसके समर्थक फ्रीडम फाइटर बताते हैं। ये वो पांच संकेत हैं जो पिछले एक दशक से मिल रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब केवल विचारों में नहीं रह गई है, इन संकेतों को अब हर देश समझने लगा है। दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में सत्ता का एक केंद्र नहीं बल्कि दुनिया के कई देश क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की ओर बढ़े हैं। इसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों का दबदबा कम हुआ है। इस समय रूस, चीन, ईरान, तुर्की जैसे देश मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है। इनका मानना है कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर पश्चिमी देशों के हितों के लिए बनाया गया है। ये देश हर हाल में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। रूस पूर्वी यूरोप में अमेरिका का दखल नहीं चाहता है। चीन ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का दखल नहीं चाहता है। वहीं तुर्की एक बार फिर से उस्मानिया सल्तनत का विस्तार चाहता है। इसराइल के साथ इस वक्त दो देश खड़े हैं, जिसमें पहला है अमेरिका। अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने दो वॉरशिप को भी उतार दिया है। इन पर अमेरिकी फाइटर जेट्स भी तैनात हैं। अमेरिका ने इसराइल की मदद के तौर पर ये वॉरशिप उतारे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान और दूसरे देशों को इस युद्ध में न आने की अपील की है। हालांकि वो इसराइल से भी गाजा पट्टी पर कब्जा न करने के लिए कह रहा है। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ज्यादा सतर्क हो गया है। अमेरिका ने जमीनी हमले में इसराइल को मदद पहुंचाने के लिए अपने 2000 मरीन सैनिकों को मैदान में उतार दिया है और अमेरिकी सैनिक इसराइल को जमीनी स्तर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचा सकते हैं।
यही नहीं, युद्ध की स्थिति में अगर ईरान या अन्य देश उतरते हैं तो ये इजराइल के साथ भी खड़े हो सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर इजराइल गाजा में सेना भेजता है तो मुस्लिम देशों को उन पर हमले से कोई रोक नहीं सकता। यानी इजराइल अगर गाजा में सेना भेजता है तो 22 देशों की अरब लीग इस लड़ाई में शामिल हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इजराइल के समर्थन में युद्ध में शामिल हो जाएंगे। पश्चिमी देशों के मैदान में आते ही रूस और चीन भी युद्ध में डायरेक्ट या फिर परोक्ष तौर पर समर्थन करेंगे, जिसका नतीजा तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है।